स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि रीट, PSI या पटवार, जिन भी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। साथ ही हम जानेंगे कुछ इंडिया GK से जुड़े भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरालाल शास्त्री जी के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हीरालाल शास्त्री जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम आज बात करने वाले हैं हीरालाल शास्त्री जी की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान राज्य के, इनका जन्म हुआ था 1899 में और इनका निधन हुआ था 1974 में। अगर हम बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हीरालाल शास्त्री जी का जन्म हुआ था राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, और यहीं पर है जोबनेर, और जोबनेर जयपुर में ही जन्म हुआ था हीरालाल शास्त्री जी का। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यानी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे थे हीरालाल शास्त्री जी। अब इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो इनकी धर्म पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि रत्ना शास्त्री किन की धर्म पत्नी थी, तो हीरालाल शास्त्री की धर्म पत्नी थी रत्ना शास्त्री। इन दोनों के द्वारा ही शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है कि हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री की एक पुत्री थी जिनका बचपन में ही निधन हो गया था। 12 वर्ष की उम्र में इनकी पुत्री का निधन हुआ था जिनका नाम था शांताबाई, और इन्हीं के निधन के पश्चात हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री ने मिलकर शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की थी। कब की थी? 1935 में की थी, और कहां पर की थी? तो टोंक जिले में, राजस्थान में है टोंक जिला, और यहां पर है निवाई, और यहीं पर इन्होंने शांताबाई जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। और आपको याद रखना है कि इसे ही वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि हीरालाल शास्त्री जी वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। जयपुर एक रियासत हुआ करती थी राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व, तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था मिर्जा इस्माइल, और हीरालाल शास्त्री उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था और जिसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल थे, तो आपको याद रखना है जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के उस समय के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ और इसे कहा गया जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब यहाँ से आपको इंडिया GK से जुड़े भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब यहाँ से जुड़े आपको कई इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हो रही थी, ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी, और इसमें महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इन्होंने एक नारा दिया था जिसे कहा जाता है करो या मरो का नारा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है, और आप ये भी याद रखिएगा कि जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था अगस्त 1942 में, और इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है जो हुआ था अगस्त 1942 में, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति रखा गया था। एक और फैक्ट आता है कि अगस्त मैदान कहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है कि अगस्त मैदान, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगस्त मैदान कहाँ पर स्थित है, या फिर अगस्त मैदान किस मैदान को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को, वो हुई थी मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई जो है यहाँ पर गोवालिया टैंक मैदान है,
ग्वालियर टैंक मैदान है और यहीं पर हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। इसीलिए ग्वालियर टैंक मैदान को ही अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एक क्वेश्चन जो SSC CHSL में पूछा गया था कि ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर टैंक मैदान किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है ग्वालियर टैंक मैदान, और जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने। इसी मैदान में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर टैंक मैदान को कहा जाता है। आपको ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने जो कि इंडिया GK से जुड़े हैं। इसके बाद बात करें कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो शास्त्री जी की एक आत्मकथा थी जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किनकी आत्मकथा है, तो हीरालाल शास्त्री जी की आत्मकथा है। इनके द्वारा एक गीत भी लिखा गया था जिसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत के रचनाकार कौन थे, तो शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि 1938 में सन 1938 में जमनालाल बजाज, जिन्हें कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय राजस्थान राज्य में प्रजामंडल का गठन हुआ था, जितनी भी रियासतें हुआ करती थी, जितने प्रमुख क्षेत्र थे, वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो हुई थी 1931 में, श्री कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन उनका यह प्रयास विफल हो गया था, जिस कारण से 1938 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जी ने मिलकर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल का जो है पुनर्गठन कब हुआ, 1938 में हुआ। किन्होंने किया, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जी ने किया था। तो ये हीरालाल शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनके द्वारा ही जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था और तब ये हीरालाल शास्त्री जी इसके अध्यक्ष भी बने थे जयपुर प्रजामंडल के। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तब इन्होंने 1949 में ये मुख्यमंत्री बने और 1951 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब द्वितीय लोकसभा हुई 1957 में, जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, दूसरी लोकसभा, पहली लोकसभा के आम चुनाव हुए थे 1952 में, और यहाँ से क्वेश्चन SSC में पूछा गया था पिछले वर्ष कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आपको याद रखना, आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव, और भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में, और ये लोकसभा चली थी 1952 से 57 तक, और 57 में हुए थे द्वितीय लोकसभा चुनाव, और इसमें ये सांसद बने थे। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री जी बने थे, जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है हीरालाल शास्त्री जी के जीवन से जुड़े, और यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई एक क्वेश्चन हीरालाल शास्त्री जी से जुड़ा है तो वो यही से पूछा जाएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको नोट ज़रूर करने हैं, और जितने भी मैंने आपको इंडिया GK से इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं उन्हें भी आपको नोट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।